आईसीसी ने ताज़ा T20 रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय T20 टीम के उपकप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर बन गए हैं। ताज़ा रैंकिंग में वह श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के साथ संयुक्त रूप से नंबर एक बन गए हैं। हालांकि दो पायदान चढ़कर श्रीलंकाई स्टार हनंदु वसरंगा की बराबरी की। हार्दिक को T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। फाइनल में हार्दिक ने हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। हार्दिक का टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद से प्रदर्शन अच्छा रहा और वह T20 दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या ने लोअर ऑर्डर में बल्ले से प्रभावशाली कैमियो निभाया और गेंद से भी शानदार सफलता हासिल की। जब टीम को उनकी ज़रूरत थी तब उन्होंने चुनौती स्वीकार की और विकेट निकाले। उन्होंने 150 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 144 रन बनाए और 11 विकेट भी चटकाए। हालांकि उनका सबसे शानदार प्रदर्शन फाइनल में आया जब उन्होंने लगभग दक्षिण अफ्रीका को मैच जिता चुके क्लासेन को 17वें ओवर में पवेलियन भेजा। इसके बाद हार्दिक ने अंतिम ओवर फेंका और 16 रनों का बचाव करते हुए भारत को T20 विश्व कप खिताब जिताने में मदद की। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष 10 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इनमें मार्कस स्टॉइनिस, सिकंदर रजा, साकिब अल हसन और लियाम लिविंगस्टन को एक स्थान का फायदा हुआ। मोहम्मद नबी 4 पायदान के नुकसान के साथ